स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने वर्ग निकालना सीखा था और आगे जो आज का जो वीडियो है उसमें वर्गमूल और घनमूल निकालना हम सीखेंगे। देखते हैं, कंटिन्यू। किसी भी संख्या का हम वर्गमूल या घनमूल किस तरीके से निकाल सकते हैं, और वो किसी तरीका है और इजी ट्रिक है, तो आप सही तरीके से उसको समझें। जैसे मान लो चालीस का स्क्वायर है, ये हमने निकालना सीखा था, 1600। 64 का स्क्वायर 40 96। तो यहां से आपको यदि इस तरीके से कहा जाए कि भाई 40 96 जो है वो करनी के अंदर है, तो यहां पर इसका मतलब होता है कि आपसे ही पूछा है कि ये किस संख्या का जो है वो वर्ग है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, किसी भी संख्या का यदि आपको वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले आपको दाहिनी तरफ से इधर से दो संख्या जो है वो लेना है और थोड़ी देर के लिए उन दो संख्या को जो है वो आप छोड़ दें। फिर यहां पर बाकी जो संख्या आपकी बची हुई है, ये संख्या आपको देखना है कि किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रही है। जैसे यहां पर आप देखें, एक का वर्ग एक होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो आपको यह देखना है कि ये जो 40 है वो किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो यहां पर भाई 7 का 49, 6 का 36। तो यहां पर यदि हम यहां पर 6 लेते हैं, ये 6 लिया आपने, तो ठीक है, ये 6 लेने से ये 36 हो रहा है जो 40 से कम है। यदि हम 7 को लेते हैं जो 49 है वो 40 से ज्यादा है, तो हमें ज्यादा वाली संख्या को नहीं लेना है, हमें कम वाली संख्या को लिखना है। अब आप यहां पर आपने 6 लिखा, ठीक है, इस 6 को आप 3 बार कंटिन्यू लिख दें और बीच वाली संख्या में आप बिना सोचे समझे जो है यहां पर आप 5 लिखते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग हम बहुत इसी तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ये 5, 5 का वर्ग 25, फिर इधर 6 बचा, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 का मल्टीप्लाई यदि हम 6 में कर दें तो 6 7 42 25। अब आपको यह पता चल गया कि भाई 40 96 जो है ये वाली संख्या से कम है, 42 25 से कम है, ठीक है, तो ये संख्या जो है वो 65 से कम होगी। अब जो संख्या हमने यहां पर दो अंकों का जोड़ा बनाया था उसमें ये देखना है कि भाई जो इकाई का अंक है आपका 6, तो ये 6 जो है वो किन संख्याओं के वर्ग में आता है। यहां पर देखें आप, जैसे 4 में 6 आता है और 6 में भी 6 आता है, तो हम क्या करें, पहले 4 लिख दें उसके बाद जो है वो 6 लिख दें, ठीक है। अब 42 25 जो है भाई, यहां पर ये 40 96 42 25 से कम है तो आपका हो जाएगा 64 का वर्ग। यदि 42 25 से ये वाली संख्या ज्यादा होती तो आपका 66 का जो है वो वर्ग हो जाता। इसी प्रकार से जो है हम नेक्स्ट संख्या का वर्ग भी निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम वर्ग निकालें, यदि आपसे कहा जाए कि भाई 109 का वर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले हम एक पैमाना मानेंगे, पैमाना आपका जो है वो 100 होगा और 100 में और 109 में डिफरेंस कितने का है, 9 का, तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81 और ये संख्या ज्यादा है तो इस 9 को आप यहां पर प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 118। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वर्गमूल में, आपसे ये करनी के अंदर जो है वो लिखा रहेगा और आपसे पूछेगा कि भाई किस संख्या का जो है वो वर्ग है। हमने यहां पर निकाला 109 का वर्ग है लेकिन आपको इसका वर्गमूल निकालना है, तो यहां पर जितनी भी संख्या यदि आपकी लिखी है तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको दो संख्या का एक जोड़ा बनाना है, फिर बाकी जो संख्या आपकी बची हुई है उसमें यह देखना है कि यह संख्या जो है वो किस संख्या का वर्ग है। तो
118 भाई 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का होता है 121। तो ये जो संख्या है वो 10 से ज्यादा लेकिन 11 से कम, तो आपको जो संख्या कम है वही लेना है। आपने यहां पर 10 लिख दिया और कितनी बार 10 लिखेंगे आप, 3 बार। यहां पर आपने जो है वो 3 बार 10 लिख दिया और बीच वाली जो संख्या है इसमें आपको 5 लिख देना है, क्योंकि 5 वाली संख्या का वर्ग हमें हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये 5 का हो जाएगा आपका 25। 10 के बाद क्या आता है, 11। 11 से 10 में मल्टीप्लाई करते हैं आप, 110, 25। अब ये क्लियर हो गया है कि जो संख्या लिखी है, जो संख्या आपकी लिखी हुई है वो संख्या हमारे 110, 25 से ज्यादा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब यहां पर ये संख्या इधर आएगी, लेकिन एग्जैक्ट वर्ग निकालने के लिए जो संख्या हमने छोड़ी थी उसमें इकाई का अंक क्या है आपका, 1 है। तो 1 जो है वो किन संख्याओं के वर्ग में आता है, तो 1 जो है वो 1 में आएगा और 9 में आएगा। तो पहले आप 1 लिख दें, बाद में आप 9 लिख दें। तो अब जिस संख्या का वर्गमूल आप निकाल रहे हैं वो बीच वाली संख्या से ज्यादा है या कम है, तो ज्यादा है, तो यहां पर आपका जो है वो वर्ग हो जाएगा, मतलब 109 का ये वर्ग है, मतलब इसका वर्गमूल क्या आएगा आपका, 109। फिर से समझे आप, यदि करनी के अंदर 118-81 लिखा हुआ है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई किस संख्या का ये वर्ग है, मतलब या इसका वर्गमूल क्या आएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जब भी आप वर्गमूल निकालें तो दो संख्या का आपको यहां पर एक जोड़ा बनाना है, बाकी जो संख्या है वो संख्या किस वर्ग के अंतर्गत आ रही है। तो 118 जो है वो 10 और 11 के बीच की संख्या है, तो आपको कम वाली संख्या लिखना है, 10 लिख दिया आपने, और 10 को आपको कंटिन्यू 3 बार लिखना है, और बीच वाली संख्या में आपको साथ में 5 लिख देना है। तो ये 5 का 25 हो गया और 10 के बाद 11 आता है, तो 11 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 110, 25। अब जो संख्या निकाल रहे हैं आप वो जो है 110, 25 से ज्यादा है, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा आपका, 109 का। और देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 112 का वर्ग, तो ये हमारे पैमाने से ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 का वर्ग क्या हो जाएगा, 144। 144 का यहां पर आप 44 लिख दें, हासिल का यहां पर 1 बच जाएगा, 12 इसमें प्लस कर दें आप, तो ये हो जाएगा आपका 124 में आप 1 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 125। तो 125 यहां पर लिखा हुआ है और वो करनी के अंदर है। तो अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे ये पूछा है कि भाई 125-44 जो है वो किस संख्या का वर्ग है या इसका वर्गमूल क्या है। तो सबसे पहले क्या करें आप, दो संख्या को एक जोड़ा बनाए आप, बाकी जो संख्या बची हुई है ये संख्या किस संख्या के वर्ग में आ रही है। तो 11 का 121 था, 12 का 144, तो 11 और 12 के बीच के बीच वाली संख्या है, तो हमें जो है यदि हम 11 का लेते हैं तो 121 हो जाएगा, 12 का लेते हैं तो 144 हो जाएगा, और 144 जो है इससे ज्यादा है, इसलिए हमें जो है वो 11 लिखना है। तो आप 11 को 3 बार लिखते हैं और बीच वाली संख्या में यहां पर आप 5 जो है वो लिख दें, क्योंकि इसका वर्ग निकालते हमें आता है। तो ये 5 का जो है वो 25 हो जाएगा। अब 11 के बाद क्या आता है, 12, तो 11 और 12 में जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 132। तो यहां पर जो है 132, ठीक है। तो 115 का वर्ग क्या हो गया, 132, 25। अब ये क्लियर हो गया कि भाई ये जो संख्या है इससे कम होगी। अब यहां पर जो संख्या हमने जो जोड़ा बनाया था उसमें इकाई का अंक क्या था, 4, तो ये 4 किसमें आएगा, 4 जो है आपका 2 का 4 होता है और यहां पर 8 का 64 होता है, तो 2 में यहां पर 2 लिख दो और यहां पर 8 लिख दो, ठीक है। तो ये जो संख्या है हमारी 132, 25 जो है उससे कम है, तो आपका वर्ग क्या हो जाएगा, 112। मतलब ये वाली जो संख्या है वो 112 का वर्ग है, या 125-44 जो है वो उसका वर्गमूल क्या होगा, तो वो हो जाएगा 112। एक और क्वेश्चन,
कोई बड़ी संख्या लेते हैं अपन, जैसे मान लो 207, इसका स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले अपन, इसका बेमाना क्या हो जाएगा आपका 200, ठीक है। तो 200 में और 207 में डिफरेंस कितने का है, 7 का, 7 का वर्ग होता है आपका 49, और 7 यहां पर आप प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 214। अब इसमें आपको 2 का गुना करना है, क्योंकि हमारा बेमाना जो है वो 200 है, जो 100 से 2 गुना है, तो इससे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 428। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई इसको यदि हम करनी में लिखते हैं तो इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, या किस संख्या का वर्ग ये है। तो सेम प्रोसेस हमारी, सबसे पहले तो हम दो संख्या का एक जोड़ा बनाएंगे, बाकी जो संख्या आपकी बची हुई है वो किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रही है। तो यहां पर भाई 20 का वर्ग होता है 400 और 21 का जो वर्ग होता है 441, तो ये जो संख्या है वो 20 और 21 के बीच की संख्या है, तो हम यहां पर कंटिन्यू 3 बार जो है वो 20 यहां पर लिख दे, और बीच वाली संख्या में आपको जो है वो 5 लिखना है। तो 5 का जो वर्ग है वो हो जाएगा आपका 25, ठीक है। और यहां पर अब भाई 20 के बाद क्या आता है 21, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दें, 21 दो 42 और 1 0, ये क्लियर हो गया है कि 428 49 जो है वो 420 25 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसके बाद वाली संख्या होगी। लेकिन हमें एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा 9, और 9 किन संख्याओं के वर्ग में आता है, तो 9 जो है वो 3 में आएगा और 9 जो है वो आपका 7 में आएगा। तो हम यहां पर पहले 3 लिख दें और बाद में हम 7 लिख दें, तो 420 25 से यदि संख्या ज्यादा है तो वो हो जाएगा आपका 207 का वर्ग, यदि संख्या कम होती तो ये हो जाता आपका 203 का वर्ग, ठीक है। इसी प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल भी आसानी से निकाल सकते हैं। वर्गमूल के साथ में जो है आपसे घनमूल भी पूछा जाता है, तो उसका भी बहुत इसी तरीका है, और सभी लोग बहुत इसी तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर 1728 लिखा हुआ है और यहां पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, आप घनमूल निकाल रहे हैं, तो आपसे ये पूछा है, इसका मतलब यही होता है कि भाई ये किस संख्या का जो है वो घन है। तो घन में भाई वर्ग का मतलब क्या होता था a इंटू ए, और घन का मतलब क्या होता है a इंटू ए, तो यहां पर 3 संख्या का आपस में मल्टीप्लाई, इसलिए इधर से हम 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाएंगे। 3 संख्या का जोड़ा बनाने के बाद आपको यह देखना है कि ये वाली संख्या जो है वो किन संख्याओं के घन के बीच में आ रही है, तो एक ही आ रहा है यहां पर, तो यहां पर आप एक लिख दें। इसके बाद जो आपने जोड़ा बनाया था उसमें इकाई का अंक क्या है 8, तो 8 का घन क्या होता है, यहां पर डायरेक्ट इसका घन जो है वो हम लिखते हैं, तो 8 का घन क्या होता है 512, तो 512 में यहां पर 2 इधर वाली जो संख्या है उसको यहां पर लिखते हैं, तो ये किस संख्या का घन था आपका 12 का, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, जैसे आपने यहां पर 4096, और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई किस संख्या का ये घन है या इसका घनमूल निकालें आप, तो सबसे पहले सेम प्रोसेस 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाएंगे आप, यहां पर जो संख्या लिखी है वो किन संख्याओं के घन के बीच में आ रही है, तो जैसे 1 का घन क्या होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 7 का 729, 8 का सॉरी 9 का 729, 10 का 1000, और ये आगे जो है वो कंटिन्यू संख्या चलेगी, ठीक है। तो यहां पर आप देख लें कि भाई ये जो 4 है वो आपके 1 और 2 के बीच की संख्या है, तो आपने यहां पर 1 लिखा, ठीक है। फिर यहां पर जो संख्या है आपकी, जैसे इकाई का अंक क्या है आपका 6, तो 6 का घन क्या हो जाएगा आपका 6 का जो घन हो जाएगा आपका 216, तो 216 में आपको इकाई का अंक जो है वो 6 लेना है, तो यहां आपने 6 लिख दिया, ठीक है।
तो ये जो है, ये जो संख्या है आपकी वो हो जाएगी 16 का घन। ठीक है, इसके अलावा और संख्या हम ले सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए करनी के अंदर 24389 और ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब आपसे पूछा है कि भाई इसका घनमूल क्या है, तो सबसे पहले हम तीन संख्याओं का एक जोड़ा बनाएंगे। तीन संख्या का जोड़ा बनाने के बाद इधर जो संख्या बची है उसमें ये देखेंगे कि भाई किन संख्याओं के घन में आ रही है। तो एक का घन एक होता है, दो का 8, तीन का 27, तो दो और तीन के बीच की संख्या है, तो तीन यदि लिखते हैं तो वो संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर दो लिखेंगे। फिर जो संख्या हमने छोड़ी दिया जोड़ा बनाया था उसमें इकाई का अंक क्या है, 9, तो 9 का घन क्या होता है, 9 का जो घन है वो हो जाएगा आपका 729। तो 729 में आप यहां पर जो है वो ठीक है 9 लिखते हैं, तो ये किसका हो जाएगा आपका 29 का। ठीक है, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये किस संख्या का जो है वो घन है। तो सेम प्रोसेस, एक जोड़ा बनाया आपने, इधर जो संख्या है वो देखें आप, तो ये दो और तीन के बीच की संख्या है, दो और तीन के बीच की संख्या है, तो आपने यहां पर दो लिखा। फिर इधर जो है वो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इधर इकाई का अंक जो है वो 4 का है, 4 है, 4 का क्यू क्या हो जाएगा आपका 64। ठीक है, 64 में आप यहां पर जो है वो 4 लिख देंगे, तो 13824 जो है, 13824 जो है वो आपका 24 का या नहीं, या इसका घनमूल क्या हो जाएगा 24, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका जो है वो आपका 29 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी संख्या का वर्गमूल, घनमूल, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं और घन निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो पे, हमारी क्लास पे आप बने रहे, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू।